नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जिन भाइयों और बहनों ने 8 और 9 मार्च को आपने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज ने, उसका ऑफिशियल उत्तर कुंजी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। इस ऑफिशियल उत्तर कुंजी को 26 तारीख को अपलोड किया गया है और आप आज की तारीख से 7 दिन के भीतर आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर किसी प्रश्न पे आपको आपत्ति है तो उस प्रश्न की आपत्ति के लिए आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन केवल 7 दिन तक चलेगा, 7 डे तक रहेगा और विथ प्रूफ ऑब्जेक्शन आप लोग लगाइएगा। ठीक, आइए देखते हैं। दिनांक 8 और 9 मार्च 2009 को संपन्न प्रतिष्ठित स्नातक परीक्षा 2016 के निम्नलिखित विषयों की उत्तर माला दिनांक 26/3/2019 को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर WWUPSESSB और पे अपलोड कर दी गई है। और यह 16 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम हुआ था, दो दिन 8 और 9 मार्च को पूरे 16 सब्जेक्टों की आंसर की आ गई है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपनी अपनी बुकलेट सीरीज के अनुसार उत्तर माला का मिलान कर लें यदि किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो पूरा डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अगर किसी प्रश्न पे आपको आपत्ति है तो साथ सहित विज्ञप्ति के एक सप्ताह के अंदर, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया 27/3/4/2019 4 अप्रैल तक चलेगा। चयन बोर्ड की कार्यालय पे ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है, या ईमेल आईडी उसकी दी गई है upsesball.0532@gmail.com पे आपको उपलब्ध कराना है। ऑब्जेक्शन का कोई शुल्क जमा नहीं करना है आपको। अब देखिए ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है उसको यहाँ पे नीचे बताया गया है, 3 नंबर में पढ़िए इसको। अभ्यर्थी केवल उपयुक्त ईमेल आईडी के माध्यम से ही अपने पत्र जिसमें विज्ञापन संख्या, विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय एवं बुकलेट सीरीज अंकित हो, तो इसमें आपको ध्यान देना है विज्ञापन संख्या लिखनी है, अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, विषय बुकलेट सीरीज के साथ आपत्ति के सुस्पष्ट प्रश्न साक्ष्य की सहित स्कैन कॉपी, और स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में रहनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा पीडीएफ में जो भी ऑब्जेक्शन करें सबकी पीडीएफ फाइल में रहनी चाहिए, जेपीजी में न लगाएं। जेपीजी में अगली बार लड़के लगा दिए थे, कैंसिल हो गया था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जेपीजी में न लगाएं। उपयुक्त ईमेल आईडी के अतिरिक्त अन्य किसी ईमेल आईडी अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपको ईमेल आईडी पे ही इसको देना पड़ेगा। ईमेल से भेजे गए पत्र में विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय एवं बुकलेट सीरीज अंकित नहीं होने पर आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरांत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित अवधि यानी आपको केवल 7 डेज का समय है, आप लोग आज आंसर के से मिलान करके अपलोड कर लीजिएगा। ये जानकारी रही। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को हिट कर दें। हम आपको अगली वीडियो बताएंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है, उस पर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।